नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव बिहार न्यूज। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हो चुका है और उसके बाद अब जो है नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां जो हैं धीरे धीरे करके तेज होती जा रही है। हालांकि चुनाव कब होगा इस बात की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल मई में चुनाव हो जाएगा। इसके बाद जो है सभी प्रत्याशी जो है अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हम पटना के विभिन्न वार्डों में घूम रहे हैं और वहाँ का हाल जान रहे हैं कि किस तरह से बीते 4.5 साल में किस तरह से वार्ड पार्षद ने काम किया, ये सारा चीज़ जान रहे हैं। हम दानापुर नगर निकाय में हैं, नगर परिषद में हैं। यहाँ के 29 वार्ड के जो पार्षद हैं वो दीपक कुमार मेहता हैं, उनसे सीधा जानते हैं कि 4.5 साल का कमाबेश हो चुका है, कैसा विकास कार्य रहा और आगे की क्या कुछ रणनीति है। दीपक जी, आपका लाइव बिहार न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, एक जिम्मेदारी आपको मिली थी 5 साल के लिए, क्या कुछ किया आपने क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में वार्ड नंबर 29 में, जहाँ तक आपका ये सीधा प्रश्न है कि क्या कार्यकाल हुआ, हमारे कार्यकाल में लगभग हमने सभी जगह कार्य किया है और वार्ड नंबर 29 में लगभग 90% काम हो गया। यहाँ तो जनता का मूल समस्या जो है पानी का 90% काम हो गया। रोड गली, कच्ची गली नली जो मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट था उसमें भी हम लोग अब्बल साबित हुए हैं और हमने करके दिखाया है। और कुछ काम नल जल का, कुछ जो हम लोग पीछे चल रहे हैं 50-60 घर बचा है मात्र, तो उसको भी हम लोग अपने कार्यकाल में पूरा कर लेंगे हमारा। और इसके बाद हम लोगों को लगता है कि जिन लोगों का आवश्यकताएं तो हमेशा रहती है और हम हर चीज़ को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कार्य कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो हम चाहेंगे कि अपने कार्यकाल में जो बचा हुआ चुनाव का आने वाला समय है, जो भी छूट जाता है तो हम लोग उसको कार्यकाल आगे की ओर लेने का प्रयास करेंगे। आपके मुताबिक 10% काम बचा हुआ है? जी जी, इसे पूरा कर दिया जाएगा। जी जी, तो 10% कार्य जो मूलतः बचा हुआ है वो कार्य है नल जल का जो घर घर में देना है, और कुछ एकाध दो गलियां छूटी भी है जो हमको लगता है कि अप्रैल में इस चुनाव से पहले, जो अभी सरकार द्वारा घोषणा नहीं किया गया है लेकिन जैसे ही घोषित होता है उससे पहले ही हम लोगों का ये टारगेट है कि कार्य को ख़त्म कर लिया जाएगा। जिस समय पार्षद बनकर के आए थे उस समय आपके क्षेत्र की मेन समस्या क्या थी, चुनौतियाँ क्या थी आपके सामने जिसको आपने पूरा कर लिया? सबसे बड़ी चुनौतियाँ होती हैं कि जनता तक हम कितना से ज़्यादा फायदा पहुँचा सके। तो यहाँ राशन कार्ड की भी एक समस्या थी जो पूर्व में था, चूँकि हमारे पहले जितना राशन कार्ड था आज उससे 4 गुना राशन कार्ड बना है, और भारत सरकार भी इसमें बहुत अच्छा चढ़ बढ़ के काम कर रही है। जो राशन हम लोग फ्री दे रहे हैं कोरोना काल में, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है उस तरह से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी थोड़ी सी आरामदायक हुई है, जिससे जनता को हम राशन कार्ड बना देते हैं आराम से। और विधवा पेंशन ये इस तरह का कार्य जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है उससे भी अब नया एक सरकार का स्कीम चालू हुआ है श्रम कार्ड, तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से श्रम कार्ड का लाभ भी हम अपनी जनता तक पहुंचा सकते हैं। और सरकार से भी यह होगा कि हम लोग कार्ड बना लें और उन तक लाभ ना पहुँचे, इससे जनप्रतिनिधि की बदनामी हो, इन बातों पर ध्यान दिया जाए कि अगर हम श्रम कार्ड किसी का बनवाते हैं तो लाभ उन तक जरूर पहुँचे। राशन कार्ड कितना बन पाया? हमारे वार्ड में लगभग 900 कुछ राशन कार्ड हैं अभी वर्तमान स्थिति में, 4000 लगभग वोटर हैं और 900 कुछ राशन कार्ड है। तो समझ लीजिए कि हम लोगों ने लगभग 90% जो सरकारी नौकरी में है, जो उस लेवल में नहीं आते हैं उनको छोड़ के बाकी हमने लगभग 90% लोगों का कार्ड बना चुके हैं। और जो 2-4 छूटे हैं तो उनका भी हम लोग लेके ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। सारे BPL वालों का? नहीं, BPL वाले का तो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, और जो लोग छूट गए हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं लेकिन उनका नाम BPL में भी दर्ज नहीं है, कभी शिकायतें आती हैं कि हम गरीबी ठेला चलाने वाला का भी नाम कभी सूची में नहीं है, कभी स्वास्थ्य कार्ड वाला नाम ऐसे लोगों का है कि जो उस सूची में आना अनिवार्य है लेकिन उनका नहीं है। तो हम लोग ये निरंतर प्रयास करते हैं कि उनका नाम जोड़ने का, और किस तरह से जुड़े इसका प्रयास हम जनता तक करते हैं कि उनका स्वास्थ्य कार्ड में भी नाम जुड़ा सके। क्षेत्र में आप जाते हैं या फिर नहीं जाते हैं? लोगों की शिकायत है कि बड़ा कम दिखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्षेत्र हमारा, घर भी उसी वार्ड में है और हम नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग निरंतर सब लोगों से मिलते रहते हैं, और जिनकी परेशानियाँ होती है
तो हम परेशानियों में खरा उतरने का प्रयास करते हैं। आगे की रणनीति क्या, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, अब क्या लगता है कि विकास हो चुका है, 90% काम आप कर चुके हैं, तो अब लगता है कि उम्मीद जागती है कि जनता ज़रूर वोट करेगी, विश्वास एक बार फिर से बनाएगी आप पर, क्या लगता है? अभी तो सरकार के द्वारा ये नया निर्णय आया है कि इसमें अब जनता डायरेक्ट चुनाव करेगी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, वार्ड पार्षद का तो कर ही रही है पूर्व से, लेकिन डायरेक्ट करने में अभी हम नगर परिषद के उपाध्यक्ष के नाते इतना कहेंगे कि दानापुर की जनता इस बार देखेगी कि आगे क्या करना है, बदलाव कौन अच्छा काम कर सकता है, जनप्रतिनिधि अच्छे हों, ये सरकार की तरफ से सराहनीय कदम है जिसका मैं उपाध्यक्ष के नाते सराहना करता हूं और सरकार की मंशा की तारीफ करता हूं कि जिन्होंने यह पारदर्शिता दिखाई है कि सभी लोग, स्वच्छ लोग, साफ सुथरे लोग जो इस चुनाव में आना चाहते हैं वो भी भाग लेंगे और बढ़िया प्रतिनिधित्व दानापुर को मिलेगा इस बार अध्यक्ष के लिए। नहीं नहीं, किसी बात, कई वार्ड पार्षदों का ये कहना है कि अगर जनता चुन करके अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष लाती है तब ऐसे में पार्षदों के पास कोई अधिकार नहीं रहता है, पार्षदों का काम हो सकता है डिले हो जाए, ध्यान नहीं दिया जाए क्योंकि जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, इसके लिए मदद कर रहे हैं इस बात का, लेकिन इसके लिए आगे अभी गाइडलाइन आना जरूरी है, जैसे सरकार का निर्देश है, सब लोग आशंकित तो हैं इस बात से कि डायरेक्ट जनता द्वारा वोटिंग होगा, लेकिन उसमें अस्थाई समिति का क्या रोल रहेगा, बोर्ड का क्या रोल रहेगा, और उसके बाद भी है कि उसमें वार्ड पार्षद की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि सारा पावर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चला जाएगा तो उसमें वार्ड पार्षद की कौन सुनेगा, तो इसलिए हम सरकार को चाहेंगे, सरकार से हमें अपेक्षा है कि इन पर भी गाइडलाइन तय होकर फाइनल निष्कर्ष के रूप में आएगा, जिसका हम लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना है, सरकार के तरफ से क्या दिशा निर्देश होती है, तो हम लोग को तो सरकार के तहत ही चलना है। धन्यवाद। तो ये था दीपक कुमार मेहता जो बता रहे थे कि किस तरह से इन्होंने अपने वार्ड में विकास का कार्य किया है, इनके मुताबिक 90% कार्य हो चुका है, 10% कार्य बचा हुआ है, आने वाला जो वक्त रहेगा जिसमें चुनाव होगा उसमें इन्होंने ये आश्वस्त है कि आने वाले वक्त में इनको जीत मिलेगी क्योंकि विकास इनका बोलेगा।